सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरे प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, एक स्पेशल डे, उन सबके लिए मेरी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। आज ना मुझे देख के लग रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा नया सेशन, मतलब इस साल का नया क्लास, फर्स्ट क्लास आज शुरू हो रहा है, जो मैं ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने से बहुत ही प्रॉब्लम में थी। आप लोगों को पता है कि बहुत मैं दुखी थी, बहुत क्या बताऊँ, पर आज वो है, अभी भी वो फीलिंग्स तो है ही। जीनू को लेके एक्चुअली बहुत टेंशन में है हम लोग, क्योंकि वो खुद खाना नहीं खा रही है, वो मुझे छोड़ना नहीं चाह रही है। मैं यहाँ आ रही हूँ तो बहुत दुखी हो रही है, ऐसे हो रहा है, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो एक बैक टू नॉर्मल होगा। चलिए मैं दिखाती हूँ, आज कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे आज पहला दिन नहीं आ पाए, नेक्स्ट क्लास आएंगे। पर ये तो शुरू हुआ और मैं ना ऐसे चाहती हूँ कि रोज ऐसे रहे मेरे साथ, सो आई एम वेरी हैप्पी। चलिए थोड़ा सा क्लास में दिखा, गवर्नमेंट जॉब करते हुए कभी टाइम ही नहीं था अपने लिए, अपने बच्चों को पाला, बच्चों के बच्चे भी हो गए, नानी भी हूँ, दादी भी हूँ। सो नाउ आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई चाइल्डहुड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और शायद भगवान की कृपा है कि मुझे मैडम आप मिले, तो मैं इसको जीवन की आखिरी सांस तक सीखना चाहूँगी। वेरी गुड, ये जो है ना सब में ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि एक टाइम होता है जब हम बच्चों के लिए करते हैं, बहुत समय दे देते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका अपना लाइफ हो जाता है, पर तब हम अकेले हो जाते हैं उस टाइम के लिए ना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं ना आपके साथ पूरा लाइफ रहता है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू। आई होप इस तरह से हम कंटिन्यू करते रहें। देखिए मैं अभी क्लास से आई, फिर फ्रेश होके जिनू को खिलाई, तो रोटी तो मुश्किल से खिलाई, अभी दही तो बिल्कुल नहीं मान रही है। मैं आधा घंटे से उसको प्यार कर रही हूँ, समझा रही हूँ, मतलब मेरी गोदी में आके बैठ रही है पर नहीं खा रही है। अभी देखिए बहुत मुश्किल से उसको शुरू तो किया, देखते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए जिनू को लेके भी अभी बहुत टेंशन हो रहा है, मतलब एक तो एक महीना सबके लिए बहुत मुश्किल था, इधर आने के बाद मुझे लगा थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल कुछ खाना पीना इतना प्रॉब्लम कर रही है वो, जो पहले बिल्कुल नहीं करती थी अभी इतना कर रही है, पता नहीं एक और टेंशन। खैर वही आशा करती हूँ टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी रात को 12:30 बजा, मैं क्लास से जो आई, दोपहर को लंच किया, उसके बाद से मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आए थे, मेरे हस्बैंड के, मतलब ONGC के पुराने फ्रेंड्स हमारे। पर एक तो इतना अच्छा लगा क्योंकि कोविड के वजह से, और बॉम्बे में वैसे ही आना जाना थोड़ा कम है, तो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल बाद ऐसे फ्रेंड्स आए एंड बहुत टाइम हम एक साथ बिताए, बहुत अच्छा लगा। पर
उन लोगों को मैं नहीं दिखाना नहीं चाहती थी, बिकॉज सब लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और आपके घर पे गेस्ट आए और आप रिकॉर्डिंग शुरू करो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। मैं एक्चुअली इतने बिजी हो गई थी उन लोगों के साथ बातें करना, तो सब कुछ मतलब पूरा तो डिटेल में मुश्किल ही था, पर जस्ट मैंने चाय वाय तो पी लिए थे, वो मैंने कुछ नहीं किया, पर डिनर का थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसे किया। ये देखिए आज डिनर के लिए है पूरी, चिकन नगेट्स एंड फ्लावर, आलू मटर का एक सूखा सब्जी, चिकन, और इसके अलावा है आइसक्रीम। आइसक्रीम भी ना मैं दिखाना भूल गई एक्चुअली। देखिए हम लोग सब खा लिए, फिर मुझे ध्यान आया अरे मैंने आइसक्रीम दिखाया नहीं, तो अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए डब्बा के अंदर पूरा खाली है, हम खाने के बाद जो थोड़ा सा बचा है, लेकिन मैंने सोचा ठीक है जितना है उतना एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उससे भी मज़ेदार बात जो है, जब वो लोग जा रहे थे तो हम लोग नीचे, मैं सोचा नीचे जाती हूँ बाइक करके आ जाऊँगी, तो झीनू को भी लेके गई। तो झीनू तो जैसे ही एक्चुअली मेरे हस्बैंड छोड़ने जाने वाले थे उनको, तो गाड़ी देख के वो खुद ही गाड़ी में चढ़ के, मतलब उसको जाना ही है, तो मैं भी झीनू को लेके गाड़ी में बैठ गई, फिर उनको छोड़ के ऊपर आई। अभी मैं, आप देख के समझ गए अभी मुझे फ्रेश होना है, तो चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अच्छा देखिए झिनुक क्या कर रही है जाने के लिए। चलो झिनुक कम 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 झिनुक झिनुक আমি তো তোমাকে সেটাই বলেছিলাম যে ওরকম বসে বসে যায়। ঝিনুক ঝিনুক ও ঝিনুক ঝিনুক নট ইভেন লুকিং অ্যাট মি ঝিনুক ও ঝিনুক ওলে ও ও ও ও ও বাস 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 এ বাবা আয়া। बस मम्मा झिनको झिनको झिनको। तो अभी थोड़ा फ्रेश होना है, फिर बहुत जल्द मिलूंगी। आज इतना ही, नमस्कार।